हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। बोट एंड स्ट्रीम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस में दिया हुआ था? सर, एसएससी सीपीओ में 2011 में पूछे गए थे। द स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, मोटरबोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट्स। द स्पीड ऑफ द मोटरबोट इन द स्टिल वाटर। सर, हम लोग पकड़ लेते हैं मोटरबोट का स्पीड है, मोटरबोट का स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्या है सर, अपस्ट्रीम वेलोसिटी क्या हो जाता है सर, 1 - 5। डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी क्या हो जाता है सर, 1 + 5। अब क्या दिया हुआ है सर, 10 किलोमीटर गया है सर 1 - 5 अपस्ट्रीम में, प्लस 10 किलोमीटर गया है, रिटर्न आया है 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, ठीक है 1 + 5। बराबर कितना टाइम लगा सर, 50 मिनट, मतलब 60, इतना घंटा 5/6, तो 5 से काट दो, तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, इधर हो रहा 6 × 2 = 12, 6 को उधर गुना कर दिए, 12 × x + 5 + x - 5 = x²-25। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, 5 + 5 कट गया, तो 12 × 2 = 24, तो x²-24x - 25 = 0। तो यहाँ यहीं से आ रहा है x²-25x + x - 25 = 0। तो यहाँ से आ जा रहा x-25 एक फैक्टर, और दूसरा वाला आ जा रहा x+1, क्योंकि ये x+1 जीरो नहीं हो सकता, तो x के वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए x-25 = 0, तो x = 25। इसका शॉर्टकट क्या नियम है सर, शॉर्टकट एक ही नियम होता है। देखो, जो करंट का स्पीड दिया होता है उसका उसके दुगना हो जाता है आपका बोट का स्पीड, सॉरी उसके स्क्वायर हो जाता है आपका बोट का स्पीड। तो करंट का स्पीड 5 दिया हुआ है, तो उसका 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये क्या ये पॉसिबल है सर, देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, हम लोग चेक करके देख लेंगे। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है इसीलिए ऐसा हो गया। ओके सर, ऐसा मत करके आना। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।